ड्रामा सीरियल मैरी की आने वाली एपिसोड में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एमन से उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़का सेलेक्ट कर लिया है और बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा उसके साथ रिश्ता कर दूँगी। जिस पर एमन कहती है कि आखिर वो कौन है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम फ़ाखर से शादी करोगी, जिस पर एमन कहती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। जिसके बाद दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एमन हमजा से मिलने जाती है। हमजा से कहती है कि हमजा, अगर तुम एनी का घर बचाना चाहते हो, वाकई में तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो, तो तुम्हें उसका घर बचाना होगा। वह दी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। यहाँ पर हमजा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है। एमन से कहता है कि भैया ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मैं और तुम्हारे साथ शादी हरगिज़ ही नहीं। जिस पर एमन कहती है कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो फ़ाखर के साथ मेरे घर वाले शादी कराने वाले हैं। फ़ाखर दूसरी शादी करना चाहता है और सभी कह रहे हैं कि एमन और फ़ाखर की शादी करा दी जाए। हमजा जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ही गुस्से से कहता है कि आखिर ये तुम्हारे घर वालों को हो क्या जाता है, कभी छोटी उम्र में शादियाँ करा देते हैं तो कभी किसी के भी दिल को इस तरह तोड़ सकते हैं, आखिर तुम्हारे घर वाले किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये बात सुनकर एमन कहती है कि ये सब कुछ मेरी माँ कर रही है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन हमजा तुम्हें यानी कि घर बचाना होगा, तुम्हें अब मुझसे शादी करना ही होगी। जिसके बाद दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब सई का बड़ी ही परेशान होकर जब आती है इधर ऐशा के पास, तो ऐशा से कहती है कि मैंने देखा है कि आजकल हबीब बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं, तुम्हें भी चाहिए कि उसे माफ़ कर दो, उसे वक्त देना चाहिए। यहाँ पर ऐशा कहती है कि आप कहाँ जानती हैं हबीब को इतना, जितना मैं हबीब को जानती हूँ उससे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। हबीब की इसके पीछे भी बहुत ही बड़ी चाल है, लेकिन मैं उसे इस चाल में कामयाब नहीं होने दूँगी। सई कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी चाल है, तो ऐशा कहती है कि वक्त तो आने दो, सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन हबीब का जो बदलता चेहरा है ना, इसके पीछे उसका बहुत ही घनौना खेल है। दोस्तों अब ड्रामा सीरियल मैरी बहुत ही अच्छा बन चुका है। ये सारा कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।